दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। अगर दुश्मन दुश्मन जमाना गम नहीं इंडस्ट्री में कपूर खानदान का नाम कौन नहीं जानता। लगभग 80 से ज्यादा सालों से अदाकारी के क्षेत्र में अपनी धाक जमाने वाले इस कपूर खानदान ने बेहतरीन अदाकार फिल्म इंडस्ट्री को दिए। पृथ्वीराज कपूर से लेके रणबीर कपूर, करीना कपूर तक सब ने अपना सिक्का जमाया और इन्हीं में से एक कपूर हैं राज कपूर साहब के फर्जंद ऋषि कपूर, जिन्हें अपनी पहली ही फिल्म में नेशनल अवार्ड मिला। एक बरस है मौसम चार पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का। 4 सितंबर 1952 में मुंबई में पैदा हुए ऋषि कपूर, जिनके बड़े भाई रणधीर ने उनका घर का नाम रखा चिंटू। इस नाम के पीछे भी एक किस्सा मशहूर है कि एक पहेली थी, छोटे से चिंटू मियां लंबी सी पूंछ, जहां जाए चिंटू मियां वहां जाए पूंछ, मतलब सुई धागा। और इस पहेली में चिंटू नाम रणधीर कपूर को इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने छोटे भाई ऋषि का नाम चिंटू ही रख दिया और आज तक ऋषि कपूर को चिंटू कहा जाता है, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऋषि कपूर ने 15 साल की उम्र में अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में उनके बचपन का किरदार निभाया। ये फिल्म 1970 में रिलीज हुई थी, लेकिन ऋषि कपूर का पार्ट सबसे पहले शूट किया गया था। इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर को बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला, पर ऋषि कपूर का कहना है कि 15 साल की उम्र में कोई चाइल्ड नहीं होता, बड़ा हो जाता है। वैसे मेरा नाम जोकर के पहले भी ऋषि कपूर ने 2 साल की उम्र में ही अपने भाइयों के साथ सिल्वर स्क्रीन पे प्रेजेंस दर्ज कराई थी। फिल्म श्री 420 के गाने प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इस गाने में जो सबसे छोटा बच्चा है वो ऋषि कपूर ही थे, पर अपनी पहली ही फिल्म में नेशनल अवार्ड पाने वाले ऋषि कपूर बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। उनके चाचा शशि कपूर का कहना है कि ऋषि कपूर बचपन में शीशे के सामने खड़े होके रोने और हंसने की एक्टिंग किया करते थे और देखते थे कि वो कैसे लग रहे हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि जब मेरा नाम जोकर फिल्म में उनको सिलेक्ट किया जा रहा था तो ये छोटे ऋषि कपूर अपने कमरे में अपने ऑटोग्राफ की प्रैक्टिस कर रहे थे। पर इस छोटे ऋषि का एक्टर बनने का सपना पूरा हुआ 1973 में।
इस साल ऋषि कपूर को अपना पहला लीड रोल मिला फिल्म बॉबी में, जिसमें उनके साथ साथ डिंपल कपाड़िया को भी लॉन्च किया गया। और ये फिल्म अपने वक्त की सुपर हिट रही। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला। ऋषि कपूर साहब का कहना है कि ये फिल्म स्टार सन को लॉन्च करने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि मेरा नाम जोकर फिल्म के फ्लॉप होने के कारण जो कर्ज बढ़ गया था उसको चुकाने के लिए बनाई गई थी। और पहले इसमें ऋषि कपूर की जगह राजेश खन्ना जी को लिया जाना था, पर उस वक्त राज कपूर साहब राजेश खन्ना को कास्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और इस बात का मौका मिला ऋषि कपूर को, जो उनके लिए लकी साबित हुआ। ये फिल्म टीनेज लव स्टोरी थी, और तब से लेके साल 2000 तक ऋषि कपूर साहब ने कुछ 92 फिल्मों में बतौर रोमांटिक लीड हीरो काम किया, जिनमें से 41 फिल्में मल्टी हीरो थी और 51 फिल्मों में सोलो हीरो के तौर पे काम किया। इस फिल्म के बाद ऋषि कपूर ने अपनी फ्यूचर वाइफ नीतू सिंह के साथ 1975 में खेल खेल में और रफू चक्कर, 1976 में कभी कभी, 1977 में अमर अकबर एंथनी, 1989 में झूठा कहीं का, 1980 में धन दौलत में काम किया। और इन दोनों की जोड़ी रियल लाइफ में पर्दे पे बहुत जमती थी, और सोने पे सुहागा थी इनकी रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री, जिसका असर पर्दे पे भी दिखाई देता था। और इसी असर के कारण एक दिन ऋषि कपूर साहब ने नीतू सिंह से पूछा, क्या शादी नहीं करनी? नीतू ने पूछा, किससे? तो ऋषि ने कहा, मुझसे और किससे। तो बस ये दोनों प्रेम के पंछी 1981 में शादी के बंधन में बंध के एक डाल पे हमेशा के लिए सवार हो गए। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। लेकिन सब छोड़ छाड़ के नीतू सिंह ने कपूर खानदान की बहू बनना पसंद किया, और इनके दो बच्चे एक्टर रणबीर कपूर और डिजाइनर रिद्धिमा कपूर साहनी हैं। ऋषि कपूर को 1976 में आई फिल्म लैला मजनू, 1977 में हम किसी से कम नहीं, 1989 में सरगम, 1980 में कर्ज, 1982 में प्रेम रोग, 1985 में सागर, 1989 में चांदनी, 1991 में हिना, 1992 में दीवाना और 1993 में दामिनी जैसी फिल्मों में खूब सराहा गया। इनमें से सरगम, प्रेम रोग, तवायफ और चांदनी फिल्मों के लिए ऋषि कपूर साहब को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिली। हम किसी से कम नहीं के, सरगम के छनकार भरे गाने,
प्रेम रोग के संजीदा गाने। ऋषि कपूर साहब के साथ 30 से ज्यादा हीरोइंस को लॉन्च किया गया। इसके पीछे कारण था कि जब वो फिल्मों में आए तो उनकी उम्र 20-21 साल की थी और उस वक्त इतनी कम उम्र की हीरोइंस नहीं हुआ करती थी, इसीलिए ज्यादातर उनके साथ नई हीरोइंस को ही चांस दिया जाता था और ये फॉर्मूला हर बार हिट रहा, चाहे वो बॉबी हो, लैला मजनू हो, सरगम हो या फिर हिना, हर मूवी हिट रही। ऋषि कपूर ने अपने पिता और अपने भाइयों तीनों की डायरेक्शन में काम किया है। ये फिल्में थीं मेरा नाम जोकर, जिसे राज कपूर साहब ने डायरेक्ट किया, हिना, जिसे रणधीर कपूर और राजीव कपूर ने डायरेक्ट किया, और प्रेम रोग को रणधीर कपूर ने डायरेक्ट किया। ऋषि कपूर अपने भाई रणधीर कपूर के साथ पर्दे पे नजर आए 2012 में आई फिल्म हाउसफुल 2 में। रईस चाहिए, रईस। मेरी बेटी की शादी यूके के सबसे बड़े खानदान में करवाऊंगा। यूके? उत्तराखंड। ऋषि कपूर अपनी फिल्मों में म्यूजिक को लेके भी काफी कंसर्न रहते थे। आर.जे. बर्मन साहब ने उनकी काफी फिल्मों में म्यूजिक दिया और इस जोड़ी का हर गाना सुपरहिट हुआ। यही नहीं, अपने इतने लंबे करियर में ऋषि कपूर साहब ने ज्यादातर रोमांटिक किरदार ही निभाए और सभी हिट भी रहे, लेकिन 1999 में उन्होंने अपने करियर में कुछ बदलाव किया। उन्होंने आ अब लौट चले फिल्म डायरेक्ट की और 2000 के बाद उन्होंने सपोर्टिंग रोल्स करने शुरू कर दिए, जिनमें ये है जलवा, हम तुम, फना, नमस्ते लंदन, लव आजकल, पटियाला हाउस और लक बाय चांस में उनका काम काफी सराहा गया। पायलिया हो, 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 हो। पायलिया हो, 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 हो। तेरी पायलिया शोर मचाए, नींद चुराए, होश उड़ाए, मुझको पास बुलाए, और अब्बा हो। लवाज के लिए अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड फॉर सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड और लक बाय चांस के लिए ऋषि कपूर साहब को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिली। इसके अलावा उन्होंने दो ब्रिटिश फिल्मों डोंट स्टॉप ड्रीमिंग और सांबर सालसा में भी काम किया। साल 2010 में ऋषि कपूर और उनकी पत्नी नीतू सिंह काफी सालों बाद इकट्ठे नजर आए फिल्म दो दुनी चार में, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का स्टारडस्ट अवार्ड और फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। और ऋषि और नीतू की इस जोड़ी को रोमांटिक जोड़ी ऑफ द मिलेनियम का लायंस गोल्ड अवार्ड भी मिला। और यही वो दौर था जब ऋषि कपूर अपनी चॉकलेटी हीरो इमेज से हटके कुछ काम कर रहे थे और उन्हें अलग अलग कैरेक्टर्स करने का मौका भी मिल रहा था। 2012 में ऋषि कपूर साहब द्वारा अग्निपथ फिल्म की रीमेक में निभाया गया रौफ लाला का किरदार उनका सबसे बेहतरीन किरदारों में से एक है और इसके लिए उन्हें जी सिने अवार्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स और आईफा फॉर बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल मिला। और साल 2013 में उनकी लगभग 60 फिल्में रिलीज हो रही हैं और हर फिल्म में उनका अलग ही किरदार है। आज चिंटू जी यानी ऋषि कपूर साहब के जन्मदिन पर PBN उनको शुभकामनाएं देता है और हम यही चाहेंगे कि उनका काम करने का ये अंदाज और जिंदा दिली यूं ही बरकरार रहे और वो अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीतते रहे। हैप्पी बर्थडे चिंटू जी। आप देखते रहिए PBN, पंजाबी बाय नेचर।